आप जिंदाबाद जिंदाबाद आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये बोकारो जिले का इलेक्ट्रो स्टील गेट के सामने ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये धरना प्रदर्शन 27 तारीख से चल रहा है। एक मजदूर जो माँ विंध्यासिनी लिमिटेड कंपनी में काम करता था, सीनियर ऑपरेशन ऑपरेटर था और पलामू जिले के पांडू थाना के अंतर्गत बरही गांव के रहने वाला था और जिसका नाम उम्मत रसूल बताया जा रहा है, 35 वर्षीय, और उनकी मृत्यु इलेक्ट्रो स्टील कैंपस के अंदर हो गई थी। और ये जो उनके परिजन यहां पर पहुंचे हैं और साथ में पहुंचे हैं हमारे मार्क्सवादी समन्वय समिति के कार्यकर्ता भी इधर हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लोग भी हैं और माता पिता के साथ उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। कंपनी से मुआवजे की बात कर रहे हैं, मांग है आप लोगों की? सर, मेरा मांग है प्लांट के अधिकारियों से या बड़ा बाबू से या डीसी साहब से कि हमारा पुत्र तो चला ही गया लेकिन छोटे छोटे दो पुत्री हैं और एक पोता है और एक औरत है, बूढ़े माँ बाप है, ओहन किस हालत से अब इस दुनिया में रहेगा, उन लोग का भरण पोषण कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई या शादी विवाह कैसे होगी। इसलिए प्लांट के अफसरों से मेरा मांग है कि कम से कम 20 लाख रुपया और उनके परिवार की अस्थाई यहीं पर नौकरी दिया जाए। यही फिलहाल कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं आप? वे तो सर अब ये नियोजन या पैसे देने के लिए इनकार कर रहे हैं कि हम पैसा दे देंगे या नौकरी देंगे तो ये नियम बन जाएगा, वे लाख दो लाख रुपया सुनाते हैं सर, यही बोलते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जन्नत रसूल। कंपनी कोई बातचीत सर कर नहीं रही है, हम लोग का जो मांग है 20 लाख रुपया और नौकरी, कंपनी नहीं देने के लिए तैयार है। कंपनी बर्ताव करना चाह रही कि नहीं चाह रही? सर बर्ताव सर करना चाह रही लेकिन सर नौकरी नहीं देने के लिए तैयार है ना, आना सर पैसा दे रही है मुआवजा जो कंपनी तो कह रही है ना कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी में हम नियोजन देंगे, हम परमानेंट नहीं दे पाएंगे। तो सर परमानेंट नहीं सर देगा तो सर आज सर कंपनी जो कंपनी में करते हो आज वो कंपनी कल चला जाएगा तो लेडीज जात कहाँ जाएगी सर, उनको तो सर अस्थायी नौकरी। परिजनों का ये कहना है कि ये कंपनी जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी में आप नियोजन दे रहे हैं लेकिन ये कंपनी जब चली जाएगी तो फिर इन लोगों का सहारा कौन बनेगा। यानी तमाम बातों को अगर देखा जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन है, काफ़ी लोग इधर हैं। फिलहाल मासस के कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और हमारे बीच में आपका नाम क्या है? निताय महतो। क्या मतलब इलेक्ट्रो स्टील चाह रही है कि बढ़ता हो कि आप लोग आगे इस पर क्या माने क्या कि अभी तो हम आए हैं, अभी साथी लोग से बात करेंगे क्या स्थिति है, दो दिन का जो परिस्थिति रहा क्योंकि 26 तारीख को दुर्घटना हुआ और 26 तारीख से लेकर के अभी तक हमारे मासस के लोग असंगठित मजदूर मोर्चा और झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा ये जो आंदोलन चल रहा है, मुझे निश्चित रूप से मैनेजमेंट का ये जो घटनाक्रम हुआ इस घटनाक्रम को देखते हुए सम्मानजनक वार्ता करके इसका समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा ये लड़ाई मासस निश्चित रूप से संयुक्त रूप से। क्या मांग है साफ साफ सब? मांग इनका यही है जैसे हमको जानकारी मिला अभी कि इनका मुआवजा मिले और वेदंता कंपनी के बाउंड्री के अंदर प्रीमियस के अंदर में जो दुर्घटना हुआ है वेदंता कंपनी इसके आश्रित को नौकरी दे, ये मुख्य रूप से। वो तो नौकरी दे रही है सुनने में आ रही है, वो तो ठेकेदार के अंदर में दे रहा है, अभी सुने आप कि 3 महीना के बाद वो उसका बंद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे 3 महीना के लिए। इसीलिए हम लोग का मांग है कि कंपनी इस सवाल पर एक
कंक्रीट डिसीजन ले किस करो। माननीय डीसी साहब से कहना चाहेंगे कि ये इसमें पारदर्शिता है ही नहीं और मीडिया को नहीं जाने देता है, ये भी बड़ी बात है डीसी साहब। और आज मासस के कार्यकर्ता, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस कंपनी में ये इलेक्ट्रो स्टील उन्हें नियोजन देना चाहती है वो तो 3 महीने के बाद बंद हो जाएगी, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इनके छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेवारी कौन लेंगे। तो कुल मिलाकर आप हमारे जिला के उपायुक्त हैं, क्या बोले हम लोग, हम जैसे लोग क्या विचार। जब 27 तारीख को हम लोग इनके पास आए तो हम लोग सिर्फ आवेदन देने आए, थाना को सूचना देने आए कि भाई आपके यहाँ ये वेदांता कंपनी में काम कर रहा था और उसका जो है से डेथ हो जाता है, उसका भाई यहाँ पे कार्यरत है, वो काम करता है दूसरा कंपनी में, उसको सूचना दिए बगैर उसका एम्बुलेंस में भाई को रख के और उठा के एम्बुलेंस में रख के वो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जबकि अगर उसका जो आरोप था, कंपनी का आरोप है कि उसका नेचुरल डेथ हुआ, तो मेरा कहना है सर कि नेचुरल अगर डेथ हुआ तो उसका एक भाई इसी में कंपनी में काम कर रहा था तो उसको सामने क्यों नहीं लाया गया। तो इसमें तो कहीं ना कहीं साजिश कंपनी का रहा है, किस स्थिति में मौत हुआ है अंदर तो कोई जा नहीं सकता है, लेकिन कंपनी के अनुसार से बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग का जब इनके पास प्रस्ताव लेके आया तो प्रस्ताव में इन्होंने सीधा शब्द में बोल दिया कि हम नेचुरल मौत होने वाला आदमी को कोई आश्रित को कुछ नहीं मिलता है। मेरे यहाँ ये रूल्स है कि जो नेचुरल मौत होता है जिस आदमी को, उस आदमी को पीड़ित परिवार को हम कुछ नहीं देते, ये उन्होंने वार्ता किया। हम लोग कहा कि ठीक है, अगर आपने ऐसा अगर समझौता नहीं करेंगे तो हम लोग जो है से धरना पे बैठेंगे। तो हम लोग जो है से प्रेस मीडिया के माध्यम से SDO के पास हम लोग आवेदन जो है से दे दिए और प्रेस मीडिया में बोले भी। जब हम लोग बोले उनको पता चला, फिर वो हम लोग को बुलाए। हम लोग वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं ऐसा है कि हम ऊपर कमेटी से बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे। हम लोग ठीक है, हम लोग इंतज़ार किया उस दिन, पूरे दिन हम लोग इंतज़ार किया, लेकिन हम लोग को कोई बताया नहीं गया। पूरा शाम हो गया, हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। वहाँ से हम लोग 10 आदमी आए हैं, पीड़ित परिवार, उसका माँ आई है, पिता आए हैं, उसका 2-3 बच्चा आया है, उसका बीवी आया है, लेकिन वो कोई भी ये वेदांता कंपनी का स्टाफ कोई भी पूछने तक नहीं आया कि आप लोग रहेंगे कहाँ। हम लोग दर दर का ठोकर खाया। वहाँ पे एक ऑफिस था किसी का होटल के बगल में, वो मुखिया जी हम लोग को ले गए, हम लोग को कहे कि आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग वहीं पे रुके हैं सर। इसके बाद हम लोग कहाँ के मुखिया, हम सर मुखिया पति हैं पलामू, जिस पंचायत का ये रहने वाला था, मेरे गांव का ही ये लड़का है। हम लोग को हुआ तो हम लोग आए हैं, हम लोग उसी दिन आए हैं, 27 तारीख को, 26 तारीख को वहाँ डेथ हुआ तो हम उसे आ गए। तो बातें सुन रहे थे मुखिया पति पलामू, जिस जगह के ये मजदूर था। मैं पलामू से चल करके यहाँ आया हूँ, मेरा नाम अशोक पाल है और जन संग्राम मोर्चा का मैं गढ़वा जिला प्रभारी हूँ। और कल हम लोग 28 तारीख के डेट में, जैसे ही हम लोग को पता चला कि पलामू जिला के पांडू थाना के रहने वाला कुटमू पंचायत के बरवाही गांव का मृतक जो मजदूर का मौत हुआ है, उमत रसूल अंसारी, तो जो वहां के रहने वाले थे, हम लोग को जैसे ही पता चला यहां से कि एक मजदूर को वहां वेदांता कंपनी में बोकारो में मौत हुआ है, हम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में, हम लोग जो है वहाँ जन संग्राम मोर्चा के साथी और वहाँ धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के साथी, हम लोगों ने तुरंत जो है शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़ करके हम लोग रात में यहाँ उतर गए। और पता चला कि यहाँ के स्थानीय हमारे जो साथी, संघर्ष के साथी हैं, जो मासस के हमारे नेता लोग हैं और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो हमारे साथी हैं और असंगठित मजदूर मोर्चा के जो साथी हैं, यहाँ पहले से जो है धरना पर बैठे हुए हैं। ये मृतक मजदूर को, आश्रितों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और नियोजन नीति के तहत एक परिवार का नौकरी के सवाल पर यहाँ बैठे हुए हैं। और मृतक परिवार के यहाँ बच्चे, उनके परिवार, उनकी माँ बाप भी यहाँ आए हुए हैं।
उन लोग को रो रो करके बुरा हाल है, लेकिन कितना निर्दयी ये कंपनी है वेदांता, जो कि इनका एक भी सुधी आज तीसरा दिन हो गया और नहीं लिया। और उसके साथ साथ इस बोकारो जिला के तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी नेतागण और पलामू और गढ़वा से आए हुए तमाम लोग यहाँ जो है उनको आवाज़ दे रहा है उनके गेट के बगल में बैठ करके, और कितना इनका मने निर्जलता है, कितना इनका शर्म की बात है। तो अभी तक यहाँ हमारे धरना कार्यक्रम में आकर के और सुधी तक नहीं लिया कि यहाँ लोग इन लोग क्या कह रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ साथी आप तमाम लोगों को कि ये सोच रहे होंगे कि मृतक का मौत हुआ है, हम ऐसे तैसे करके उनको हम ख़त्म कर दें और मुआवजा न दें, नौकरी न दें। तो आज हम लोग संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा न वो समझें कि इन लोग जो है चुपचाप बगल में बैठे रहेगा। अगर हमारी मांग को अगर वो नहीं मानते हैं तो और हमारी संख्या बढ़ेगी, और गढ़वा और पलामू और पूरे झारखंड से हमारे जनसंग्राम मोर्चा के साथी यहाँ पहुँचेंगे। और ये मीडिया के माध्यम से, ये मंच के माध्यम से मैं आह्वान भी कर रहा हूँ तमाम साथियों को राय से कि तमाम जो क्रांतिकारी संगठन है इस झारखंड के अंदर, जो आम आवाम के लेकर के मजदूर और किसानों के सवाल पर जो आवाज़ उठाते हैं, जो इनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूँ, जो क्रांतिकारी संगठन है, सामाजिक संगठन है या वो राजनीतिक संगठन है, ऐसे सवाल पर एक मंच पर लान करके और उनकी मांग के साथ समर्थन करने की ज़रूरत है। उनको मैं आह्वान भी कर रहा हूँ, और इस वेदांता कंपनी को हम लोग होश खराब करके रख देंगे। आज हम लोग संवैधानिक तरीके से बगल में बैठ करके उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कल आवे वाला समय में हमारा आंदोलन का रूप भी चेंज होगा। और उनका जो काम हो रहा है, और हम सड़क पर बैठे हैं, उनको शर्म नहीं लगता है कि धूल भी उड़ रहा है और सड़क पर पानी भी नहीं दे रहे हैं। कल उनको हम आगे आने वाले समय में अगर हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तो उनको सड़क पर भी हम बैठेंगे, उनकी गेट को भी हम जाम करेंगे, उनकी गेट को भी हम बंद करेंगे। इस मांग के सवाल, इस सवाल पर जो मृतक मजदूरों का जो मांग है, इसके सवाल पर, और जब तक ये मांग नहीं पूरा करते हैं तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अब यह धरना कार्यक्रम का रूप बदलता जाएगा, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और तमाम लोगों से आवाज़